जय श्री गणेश दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष शतरंग में। मैं आज आपको एक उपाय देने आई हूँ। ये बहुत ही दुर्लभ उपायों में से एक है और ये उपाय जो है नींबू के ऊपर है। तो आपको नींबू तो मिल ही जा रहा होगा, हालांकि मैं जानती हूँ कि लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन नींबू तो आपको मिल जाएगा। नींबू लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको एक नींबू लेना है और आपके मन में चाहे जो भी इच्छा हो, चाहे आपको किसी का काम करना हो, कोई काम हो, कोई इच्छा हो, कोई मन में इच्छा हो कि मेरा ये काम हो जाता है, या जो भी आपके मन में इच्छा है, तो आपको नींबू लेना है। और नींबू लेने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, लेकिन उससे पहले मैं गणेश जी को ध्यान कर लेगा, गणेश जी का ध्यान कर लीजिएगा। और उसके बाद नींबू का करना क्या है वो मैं बताऊँगी, लेकिन उससे पहले माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल, ग्रैंड माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन दबा के। आपको क्या करना है, मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आप जरूर मिल जाएगा। और मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है आचार्य संध्या सक्सेना और आपको जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो मैं एक ज्योतिष आचार्य हूँ और इसका मैंने डिप्लोमा ले रखा है 2 साल का, लेकिन उससे पहले मैं MSc बीएड हूँ और MSc बीएड के साथ साथ मैंने उसके बाद ज्योतिष में आचार्य की उपाधि जो है वो ले रखी है। 2 वर्ष का कोर्स कर रखा है वास्तुशास्त्र। और ये कोर्स मैंने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि अगर आप एजुकेशन के बाद, क्योंकि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से अपने चैनल के लिए और अपने लिए जो है मान्यता लेनी थी, इसलिए मैं वास्तुशास्त्र, अंक ज्योतिष शास्त्र, पराविज्ञान, साइकिक थेरेपी, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ज्योतिष कुंडली, हस्त विज्ञान सभी के बारे में बता देती हूँ। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है जिसमें मैंने डिप्लोमा ले रखा है। साइकिक थेरेपिस्ट जब जो मेरा सबसे फेवरेट काम है, और मैं एक साइकिक रीडर हूँ। साइकिक रीडर क्या होता है वो आपको रीड करेंगे, आपको जान जाओगे अगर आप नेट पे इसके बारे में पढ़ोगे। साइकिक रीडर वो होता है जो किसी भी चीज़ को देखकर, सूंघकर, दूर से बैठे भी बता सकता है। उसके लिए जो आपकी थर्ड आई है वो ओपन हो जाती है। तो मैं साइकिक रीडर भी हूँ और इस फील्ड में मैं लगभग 2009-10 से हूँ, लेकिन मेरा चैनल जो है जिसमें ज्योतिष है माँ लक्ष्मी ज्योतिष, वो 2014 से है, लेकिन मैं चैनल 2017 से मेरा काम कर रहा है। मैं डील करती हूँ आपको, जैसे कि मैंने बता दिया सभी चीज़ों के बारे में, और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि हम लोग सर्व पितृ दोष की जो सर्व दोष निवारण पूजा अनुष्ठान भी करते हैं, जिसमें मंगल दोष है, पितृ दोष है, कालसर्प दोष है, रुद्राभिषेक अनुष्ठान होता है, माँ बगलामुखी अनुष्ठान होता है, माँ लक्ष्मी प्राप्ति अनुष्ठान होता है, नवग्रह पूजा अनुष्ठान होता है, घट पूजा या अर्घ पूजा प्रेम विवाह करने वालों के लिए होता है, इसके अलावा तलाक रोकने के लिए बहुत सारी पूजा होती है। तो ये सारी पूजाएँ मेरे संस्थान के दरबार कराई जाती हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आके ये पूजाएँ करवाते हैं, और जिसके बारे में लोग अक्सर अपनी वीडियो डाल के मुझे भेजते हैं और मैं उसको पब्लिकली ओपन करती हूँ। मैं कोई तांत्रिक या बाबा नहीं हूँ, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो भी मुझे समझ में आता है मैं उसके हिसाब से आपको प्रेडिक्शंस देती हूँ। इसके अलावा जो मैं गाइडेड मेडिटेशन पे काम करती हूँ, हम मेडिटेशन थेरापीज पे काम करते हैं, मैं हीलर हूँ, मैं रेकी हीलर हूँ, और ये सारे जो है मेरे सारे अकाउंटेबल हैं, और वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलती है, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो, इंटरनेशनल लेवल पर। मेरे सारे जो जितने भी काम हैं उन सब पे मैंने सर्टिफिकेट्स ले रखे हैं, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। इसी कारण से हमें ISO 9001 मिला है और ये हमें जो है इंग्लैंड से मिला हुआ है। इसके हिसाब से मैं ज्योतिष और जितना भी मैंने आपको बताया, उसके मेडिटेशन हो गया और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी हो गई या जितना भी साइकिक रीडिंग, इन सब के ऊपर मेरी क्लासेस भी चलती हैं और मैं उसको सिखाती भी और मैं करती भी हूँ। इसके लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में मुझे काम के लिए परमिशन मिली हुई है, मैं कहीं पे भी बैठ के काम कर सकती हूँ। YouTube पे मेरा चैनल चलता है जिसमें मेरे 5 लाख के अराउंड सब्सक्राइबर हैं और मेरे बहुत सारे व्यूज़ हैं जिनकी संख्या करोड़ों में है। तो ये तो था मेरा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिस एस्ट्रोलॉजर से आप बात कर रहे हैं वो कितनी क्वालिफाइड है, उसको कुछ आता भी है या नहीं आता है। तो ये है मेरे सारे जितने भी मेरे सर्टिफिकेट्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जो मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं, इसीलिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से एफिलिएशन मिला हुआ है मेरी संस्थान को। मैं हरिद्वार से हूँ और मेरा उत्तराखंड में ही मेरा निवास स्थान है, हरिद्वार में फैक्ट्रिएट करते रहते हैं। तो आज हम आपको बता रहे थे नींबू के बारे में। नींबू के बारे में बताने से पहले मैंने अपने आप के बारे में इतनी सारी चीज़ें इसीलिए आपको बताई हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जिस एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहे हैं उसको कुछ आता भी है या फिर वो हवा में तीर मार रही है। क्योंकि मैंने देखा है 110% जितने भी जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं वो
शायद कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं, खैर मैं नहीं बोलूँगी। तो मैंने इसलिए आपको अपनी क्वालिफिकेशन आज पहली बार पूरी बताई है कि मैंने कब क्या किया था। तो मैं इस फील्ड में हूँ 2008 से, लेकिन मैं पब्लिक सर्विस में हूँ 2014 से, 2017 से मेरा चैनल काम कर रहा है जनवरी के फर्स्ट 10 जनवरी से। और इस समय मेरे 1000 से ज़्यादा यूट्यूब पे मेरे वीडियोस बने हैं। इसके अलावा मेरे दो चैनल हैं, महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल और ग्रैंड महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल। तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, इसलिए मैंने आपको बोला था। तो आज मैं आपको बता रही थी कि आपको नींबू लेने हैं। नींबू लेने के बाद जिसमें दाग नहीं होना चाहिए, आपकी चाहे मनोकामना जो भी हो एक्स वाई जेड, आपको उस मनोकामना को बोलते हुए उस नींबू को अपने सामने रखना है। और उससे पहले मेरे परम पिता परमेश्वर भगवान श्री गणपति महाराज, जिनको मैं बहुत मानती हूँ, उनको जरूर आप याद कीजिएगा। और उसके बाद मेरी जगदम्बा काली को याद कर लीजिएगा, दोनों ही माँ और बेटे हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा। और भगवान भैरव से शक्ति मांग लीजिएगा। और शिव तो बहुत बड़ी नीली छतरी हैं जो सभी को आशीर्वाद देते हैं, यानी कि सभी देवी देवता को याद करते हुए आपको सबसे पहले परमिशन लेनी है कि मैं इस उपाय को करना चाहता हूँ या चाहती हूँ फलाफला काम के लिए। मेरा नाम अमुक है, मेरे पिता का नाम अमुक है, मेरा अमुक गोत्र है या स्थान है या मेरे पिता या मेरी जाति या मेरा धर्म, जो भी आपको बोलना है उस हिसाब से बोलेंगे। अपने काम को याद करते हुए फिर आपको नींबू को सामने लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी मनोकामना को बोलते हुए उसमें 27 लौंग गाड़नी है, यानी कि आप अपनी मनोकामना बोलोगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, मनोकामना कुछ भी हो सकती है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि मेरा नाम मधु है और जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ उसका नाम है रोहित, रोहन, मोहन, कुछ भी हो सकता है। तो मैं कहती हूँ, मैं कहूँगी कि मेरी इच्छा है कि मधु की शादी रोहित से हो जाए। मैं पूरा नाम लिखूंगी कि मधु शर्मा की शादी रोहित सिंह से हो जाए। अगर रोहित सिंह ये काम कर रहा है तो वो बोलेगा रोहित सिंह की शादी मधु से हो जाए। तो जितनी देर तक लगाई जाएगी लौंग, उतनी देर तक आपको अपनी विश को बोलते रहना है। जब आप अपने विश को बोलते रहेंगे फिर आपको उसको सामने रखना है। भगवान से आपने अनुमति ले ली है, अपना आह्वान संकल्प भी ले लिया है, भगवान गणेश को भी याद कर लिया है, माँ कालिका को याद कर लिया, 27 बार लौंग को लगा दिया, गाड़नी है उसके अंदर। और उसका जो टिप है ना फूल, वो बाहर की साइड रहेगा, लौंग अंदर की साइड रहेगी। उसके बाद करने के बाद, ये सब बोलने के बाद, फिर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको भगवान का ध्यान करना है और उसको देखते हुए पढ़नी है कम से कम 27 हनुमानाष्टक। जब आप 27 हनुमानाष्टक पढ़ लेंगे उसके बाद आप इसको अपने सर से लेके पैर तक 7 बार घुमाएंगे। रात्रि में आप इसको अपने तकिया के नीचे सो जाएंगे, ये सोचकर कि आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। आपने जो सब मन्नत बोली है उसको सोते सोते भी आपको दोहराएंगे और मन ही मानसिक रूप से भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे। अच्छा, हनुमान जी से जब आप प्रार्थना कर रही हैं, एक मेथड सिखा रही हूँ आपको। आपने गणेश का नाम ले लिया भगवान का, आपने माँ काली का नाम ले लिया, लेकिन भगवान राम का नाम जरूर ले लेना जरूर। जहाँ पे रामचंद्र जी होते हैं वहाँ पे भगवान हनुमान जी वैसे भी दौड़े चले जाते हैं। तो ओम राम रमाय नमः का या जय श्री राम जी का थोड़ा सा 4-5 मिनट जाप करना, उसके बाद फिर आप हनुमान अष्टक पढ़ना 27 बार, या हनुमान चालीसा पढ़ना 27 बार, जो आपको इजली लगता हो पढ़ना। अब आप सर सब कुछ कर लेंगे, सारे काम निपटा लेंगे, तो आप सर से पैर तक इसको 7 बार उतारेंगे, तकिया के नीचे रखकर इसको सो जाएंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नहा धो के उठेंगे, क्योंकि लॉकडाउन थोड़े समय के लिए सभी जगह खुलता है, मेरे वहाँ भी खुलता है 7 बजे से 10 बजे के बीच में, 7-12 तक हमारे वहाँ भी खुलता है। तो आप लॉकडाउन के टाइम में जब बाहर जाएंगे और आपको इसको मट्टी में दबाना है, और ख़ास तौर पर अगर आप पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे मट्टी में दबा देंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये उपाय आपको किस दिन करना है अभी भी समझ लो, या तो आप इसे शनिवार को करोगे या इसे इतवार को करोगे। हनुमान जी का उपाय है तो ये मत सोचना कि मंगलवार को कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मट्टी नहीं खोदते हैं, मंगलवार को अशुभ होता है। तो आपको समझ में आया, ये उपाय आप करेंगे, भगवान को आप याद करेंगे और इस उपाय को कर देंगे। जब आप इस उपाय को करेंगे तो किसी भी हाल में खोदने वाले दिन ट्यूसडे नहीं पड़ना चाहिए, मंगल नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपकी अर्जेंसी ज़्यादा है तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन खोदने वाले दिन मंगलवार नहीं पड़ना चाहिए। तो यानी कि आप सोमवार को ये उपाय नहीं करेंगे, लेकिन जो बेस्ट है वो बता देती हूँ, पूर्णमासी में फुल मून होता है उस टाइम आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप पंचमी में इस उपाय को कर सकते हैं, वो अच्छा दिन होता है, कुछ नक्षत्र बहुत अच्छे होते हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो आप इसको भी कर सकते हैं। आजकल मैं नक्षत्र शास्त्र पढ़ रही हूँ इसलिए मैंने आपको बोला, कुछ नक्षत्र होते हैं बहुत खास होते हैं
और कुछ नक्षत्र ऐसे ही होते हैं जिनके अंदर सारे तांत्रिक कार्य होते हैं, तो आप नक्षत्र पढ़िए, उससे आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे स्रोत होते हैं जिनको सिर्फ पढ़ लेने मात्र से भी काम हो जाते हैं, वो दुर्लभ स्रोत हैं, लेकिन उसको मैं अपने सिर्फ क्लाइंट्स को बताती हूँ, सबको नहीं बताती हूँ, वो बहुत दुर्लभ है और वो मेरी बहुत मेहनत की खोज है, वो मैं सबको ऐसे नहीं बताती हूँ। जब मेरे को कोई खास काम के लिए कहता है कि ये काम करवा दीजिए या कर दीजिए, या मेरा कोई खास हो जाता है, बात करते करते किसी से लगाव हो जाता है, तो मैं उसको वो बता देती हूँ कि फला फला स्रोत पढ़ लो, तुम्हारा काम 4 घंटे में हो जाएगा। और इसी टाइप में मैंने एक उपाय जो है नेट पे आज तक नहीं डाला, मैंने बताया था काले धतूरे का प्रयोग बताया था कि अगर काले धतूरे का एक ऐसे तरीके से प्रयोग किया जाए तो कितना भी आदमी दूर बैठा हो 7 दिन में वापस आ जाता है, ठीक है। लेकिन वो वीडियो मैंने आज तक डाला नहीं, लेकिन मैंने एक वीडियो में उसका तरीका बताया था, तो वो भी मैंने ऐसे ही बना दिया था लोगों के लिए, उसको बता देता। तो इस तरीके से आप करेंगे, आप इस उपाय को एक बार कर सकते हैं, अगर आपको एक ही बार ही फायदा हो जाता है तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। भगवान श्री हनुमान जी को मन्नत पूरी होने पर लड्डू वगैरह खिला दीजिएगा रामचंद्र जी का नाम लेके, और उसमें तुलसी लगा दीजिएगा। अगर आपका एक बार में पूरा नहीं होता तो आप 3 बार जरूर करिएगा या 5 बार। और चूंकि संध्या जी ने आपको उपाय बताया है तो आप मुझे मेरे नाम से कम 11 रुपये मंदिर में जरूर चढ़ा दीजिएगा, तभी इस प्रयोग को कीजिए। मेरा कोई भी प्रयोग अगर आप करते हैं तो भगवान श्री गणपति आपको सद्बुद्धि दे कि आप उसको करने से पहले एक बार मंदिर में जाके, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो 11 रुपये अलग से रख देना, जब भी मंदिर खोले या किसी भी नीडी पर्सन को कम से कम 11 रुपये तो दे ही सकते हो। अभी किसी ने तो कमाल कर दिया, उसने तो 11 रुपये नहीं उससे मुझे मेरा कोई प्रयोग किया होगा तो उसने 101 रुपये मेरे को पेटीएम किए। जब उसने मुझे 101 रुपये पेटीएम किया, फिर उसका मैसेज आया, उसने बोला कि दीदी मैंने आपका एक प्रयोग किया था और उस प्रयोग उसको करने से पहले मैंने आपको 101 रुपये पेमेंट किया है। मैंने कहा थैंक यू सो मच, मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। तो उसने मुझे पेटीएम किया और उसके तुरंत बाद क्या हुआ, 7 या 8 दिन बाद उसका मैसेज मेरे पास आया कि मेरा काम सफल हुआ उसके लिए, अब आप बताइए मैं क्या करूँ। मैं, अगर आपका काम सफल हुआ है तो फिर आप भगवान को जिसके नियमित आपने पूजा की थी वहाँ पर जाके प्रसाद चढ़ाओ, मैंने उसको ऐसा बोला और उसने किया। तो कुछ लोगों ने, एक बार एक लड़के ने मुझे 250 रुपये पेमेंट किया था, उसने मेरे प्रयोग को किया था, उसने मेरे 3 प्रयोग किए थे तो उसने मेरे को 250 रुपीज़ पेमेंट किया था। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान के मंदिर में डाल के मुझे पेटीएम कर देते हैं, तो अगर आप ऐसा करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जर्सी नहीं कहती हूँ। आप अगर मंदिर में भी डालोगे, आप किसी ऐसे वैसे व्यक्ति को भी पकड़ाओगे तो भी मालिक मुझे कहीं ना कहीं से वापस उन पैसों को भेज देगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा। भगवान श्री गणपति महाराज आप सबका ध्यान रखें। और एक और बात, आप अपने माँ बाप का बहुत प्यार किया करो, उनका सम्मान किया करो, माँ बाप जल्दी नहीं मिलते और माँ बाप बहुत कीमती होते हैं, जिनके पास होते हैं उनको कदर नहीं होती और जिनके पास नहीं होते हैं वो उनको हमेशा याद करते हैं। जैसे कि मैं, मेरे ना तो मम्मी है ना मेरे पापा हैं और मैं अकेली हूँ, तो अब कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी मैं अपने माँ बाप को बहुत याद करती हूँ और सोचती हूँ कि काश मेरे माँ बाप मेरे साथ होते। और मेरी माँ तो हमेशा मेरे सपने में आती है और मुझे पता है कि जब तक मेरी माँ है दुनिया में कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। वो मुझे बहुत प्यार करती थी और अपने पापा की तो मैं जानती, इसलिए तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं जिनके पास माँ है, आप बहुत खुशकिस्मत हैं जिनके पास पिता का साथ है। मेरे पास दोनों में से कोई भी नहीं है और आप कह सकते हैं मैं अनाथ हूँ, लेकिन जो अनाथ होते हैं उनका नाथ होता है, यानी कि अब माँ काली को मैं अपनी माँ मानती हूँ और गणेश जी को मैं अपने पिता मानती हूँ, क्योंकि मेरे पास माता पिता नहीं है, ठीक है ना। तो आप जहाँ भी हैं जैसे भी हैं अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, उनसे बहुत प्यार कीजिए, ये ज़रूरी है, क्योंकि जिनके पास नहीं होते हैं उनसे पूछिए कि उनकी अहमियत कितनी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग बहुत बहुत खुश रहिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच।